अच्छी कर दी जो हिम्मत दिखाई और तुम्हारी जान बचाई। जाओ मारो। हेलो 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 दरवाजा खोलो। आरके साहब, आप जब से अंदर गए हैं तभी से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगता है दरवाजा बारिश की वजह से जाम हो गया है। तो किसी को बुला कर लाओ, कुछ लाओ, दरवाजा खोलो। साहब, लोहे का सरिया डाल के भी देख लिया पर नहीं खुल रहा है। मौसम बहुत खराब है और बारिश बढ़ती जा रही है। इस बारिश में पिघल नहीं जाओगे तुम। दरवाजा खुलवाओ, किसी को लेकर आओ। जाओ। जी लाते हैं। अभी इसी बात इतनी बड़ी मुंबई में तुम्हें सिर्फ यही जगह मिली मरने के लिए, और अब ये दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। अब क्या? अगले 24 घंटों में बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। हे पापा, मधु जहां कहीं पे भी हो उसकी रक्षा करना। मधु, हेलो जी, नमस्ते। मैं राधा भाटिया, ऋषभ आरके की माँ बात कर रही हूँ। मधु कहाँ है? वो पहुँच गई ना? वो ठीक तो है ना? वो ही बताने के लिए मैंने फोन किया है। बिट्टू जी का फोन आया था। आरके को मधु मिल गई है और दोनों सही सलामत है। सब जगह पानी भर गया है ना, इसलिए उन्हें घर आने के लिए मुश्किल हो रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। एक्चुअली आपसे मिलकर बात करना चाहती थी, लेकिन अब बात हो ही रही है तो मैं बताना चाहूंगी कि आपकी बेटी बहुत अच्छी इंसान है, मिसेस जी पद्मिनी। माँ हूं, फिर भी कहना चाहूंगी कि मधु के लिए रिश्ता सही नहीं है, पर ऋषभ के लिए रिश्ता सही है। मेरे ऋषभ के लिए ऐसा ही जीवन साथी मिलना बहुत जरूरी था। वैसे अच्छी औलाद होने का गर्व कुछ अलग ही होता है जी। पद्मिनी जी, मैं मानती हूं कि इस घर में आपके बेटे के साथ बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, पर मधु को देखकर मेरी उम्मीद फिर से जाग उठी। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके आते से ही खबर कर दूंगी। नमस्ते। नमस्ते।
ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े गीले हैं, निमोनिया हो जाएगा। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अपनी ये साड़ी उतारो और मेरा कोट पहनो। कोट पहनो। कोट पहनो। तुम्हारी गुलाम नहीं हूं कि जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। और अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम डरा और धमका के अपनी बात मनवा लोगे तो तुम गलत हो। बढ़ रहा हूं। तुम अपने कपड़े खुद बदलोगी या मैं बदलूं? सोचने की हिम्मत भी मत करना। और मैं डरा नहीं रहा हूं, तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूं। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, अब ये भी बता दो कि मैं चेंज कहां करूं? इतनी रात को तुम यहां करने के आई थी, वो भी बिना मुझसे पूछे? शादी के पहले क्यों नहीं बताया कि आधी रात को तुम्हें पागल बन के दौरे पड़ते? बोलो, यहां क्यों आई हो? मैंने तुमसे सवाल पूछा है, जवाब आज ही देना। मैंने कुछ पूछा तुमसे? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं वहां आ जाऊंगा। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? अगर जरा से भी इंसानियत बची है तो जाकर उस लड़के से माफी मांगो। वो मुझे जन्म देने वाली औरत को लगता है कि मैंने पार्टी में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। जन्म देने वाली औरत को मां कहते हैं, और वो जो सोचे वो सोचे, पर तुम्हारा क्या कहना है? और वैसे भी ऋषभ कुंद्रा को मैं ये सवाल कैसे कर सकती हूं? क्योंकि अगर वो लिमिट में कुछ कर ले तो उसे वो इंसल्ट लगती है। सवाल पहले मैंने पूछा है, यहाँ क्यों आई हो? सॉरी मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा मुझे। आवाज में इतना जहर भरने के बजाय तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तुम्हारी तो?
मेरी जान चली गई होती तो तुम्हें तो खुशी मिलती, फिर क्यों बचाया मुझे? 40 लाख मेरे खून पसीने से कमाए हुए 40 लाख मैंने तुम्हें मौत देने के लिए थोड़ी ही खर्चे। बहुत कीमती है तुम्हारी जिंदगी, वो जिंदगी जिससे मैं खेल सकूं, शॉट्स के बीच में, घर पर आराम करते वक्त, या जब घर पर कुछ नहीं करने को तब। खिलौना हो तुम मेरा। और मैं अपने खिलौने को टूटते हुए कैसे देख सकता हूं, है ना पीवी? मजाक लगता है ना तुमको ये सब? मजाक का तो नहीं पता, हाँ लेकिन मजा बहुत आता है।